भारतीय सेना में अग्निवीरों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतर चुका है। इन युवाओं में भरपूर जोश और उत्साह देखने को मिला। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये भारतीय सेना का हिस्सा होंगे। इनकी अलग अलग जगहों पर तैनाती होगी। ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों के भीतर की आग देखने को मिली। देखिए कैसे ये अग्निवीर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को देश की सेवा के लिए मजबूत बना रहे हैं। चार साल बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट होने यानी सैनिक बनने का मौका मिलेगा। इन 25% को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, इसका भारतीय सेना ने पैमाना बना लिया है। सेना के अधिकारी के मुताबिक अग्निवीरों का हर साल मूल्यांकन होगा, जिसमें उनका ऑपरेशनल एप्टीट्यूड देखा जाएगा और साथ ही ट्रेड एप्टीट्यूड यानी जिस ट्रेड में वे हैं उसे लेकर उनका एप्टीट्यूड कैसा है वो भी देखा जाएगा। इसका वेटेज 39% होगा। साथ ही फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी और उनकी फायरिंग स्किल का भी मूल्यांकन होगा। साल में 2 बार ड्रिल होगी और फिर मार्क्स दिए जाएंगे। इसका वेटेज 36% होगा। पहले साल और चौथे साल एक इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग बोर्ड अग्निवीरों की लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा भी लेगा, जो प्रोफेशनल आधार पर होगी। इस तरह 100% में देखा जाएगा कि किस अग्निवीर को कितने मार्क्स मिले हैं। मेरिट के आधार पर फिर 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में सैनिक बनने का मौका दिया जाएगा। 4 साल के दौरान अगर अग्निवीर को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो इसके अतिरिक्त मार्क्स उन्हें मिलेंगे। कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में अग्निवीरों के सीनियर उनकी काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि कहां पर कमी है जिसे वो दूर कर सकते हैं। करीब 19,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। 21,000 अग्निवीरों का दूसरा बैच मार्च में ट्रेनिंग करेगा। इसमें 100 महिला अग्निवीर भी शामिल होंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।